झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आपको याद होगा पीएम मोदी जब जो बाइडेन से मिलने गए थे, बड़ा ही उत्सव वाला माहौल था, लेकिन रंग में भंग पड़ गया था। और रंग में भंग किसने डाला था? पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की एक स्टेटमेंट ने। मानवाधिकार, भारत टूट जाएगा, बहुत तरह की बातें कह दी थी ओबामा ने, और इसने पूरे रंग में भंग डाल दिया था, जिसके बाद भारत की तरफ से भी कई मिनिस्टर्स ने ओबामा को जवाब दिया था। क्या ओबामा को अपनी गलती का एहसास हो गया है और क्यों अब दोस्ती करना चाह रहे हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जानेंगे क्या हुआ है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो भारत की ताकत का अंदाजा लगाइए। यूके ने आखिरकार भारत की बात क्या मान ली है और खालिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा बुरा वक्त सामने ला दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो भूल गए हैं उन्हें याद दिला दूं, जब पीएम मोदी जो बाइडेन से मिलने गए थे तब सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया बढ़िया लग रहा था, लेकिन वहां पर एक चीज हो गई थी जो रंग में भंग वाली बात हो गई थी, और वो थी बराक ओबामा का भारत को लेकर एक स्टेटमेंट, वो भी ऐसे समय में जिस समय में पीएम मोदी वहां पे मौजूद है। और ये स्टेटमेंट हाथों हाथ लिया गया क्योंकि ये स्टेटमेंट महत्वपूर्ण था। इस स्टेटमेंट में ओबामा ने लगभग कह दिया कि भारत अगर ऐसा नहीं करता है तो एक दिन भारत टूट जाएगा। मेरी बात पर यकीन ना हो तो ये आर्टिकल देख सकते हैं आप। यहाँ पर इन्होंने कहा था कि भारत को अपनी माइनर कम्युनिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस चीज ने भारत के अंदर बहुत भूचाल मचाया था। भारत के कई मंत्रियों ने उनसे जवाब तलब भी किया था, उनको बोला भी था कि आप जो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं ये स्टेटमेंट गलत है। और जहां तक मानव अधिकार की बात है ना, सबसे पहले अपने घर में देखो, बाद में हमें शिक्षा देने की कोशिश करना, ये भी इन्होंने कहा था। हालांकि उस समय बराक ओबामा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था। मुसलमानों के राइट पर जिस तरीके से ओबामा ने कहा था उसको लेकर भारत में भी एक अलग माहौल बन गया था, ये बात खुद बीबीसी मानती है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। फिर अचानक से क्या बराक ओबामा की अंतरात्मा जाग जाती है? 2015 को याद करने लगते हैं ओबामा। वैसे तो ओबामा और पीएम मोदी की मुलाकात 2015 में जो हुई थी, उसके बाद ये कहा गया था कि इतिहास रचा जाएगा, अमेरिका और भारत के बीच संबंध अच्छे हो जाएंगे, बराक ओबामा भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। ये भी कहा गया था कि दोनों देशों के बीच जो ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ वो समझौता भी ओबामा के रहते हुए ही हुआ। अब ओबामा की प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी ने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक तस्वीर शेयर की है, और इस तस्वीर को देखने से ही लग रहा है कि शायद ओबामा को अपनी गलती का भी एहसास हो गया है, और भले वो साफ साफ न कह रहे हो लेकिन भारत के साथ वो रिश्तों को सुधारना चाह रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, इन्होंने इस तस्वीर को शेयर किया है। इस तस्वीर में ऐसा क्या है, एक बक्सा है, इस बक्से से क्या जादुई जिन्न निकलेगा? नहीं, आपको बता दें ये जो बक्सा है, इतनी अच्छी नक्काशी वाला ये बक्सा पीएम मोदी ने गिफ्ट किया था ओबामा को। इस बॉक्स को खास तौर पर पीएम मोदी द्वारा गिफ्ट दिया गया था, और आज अचानक से इन्हें याद आता है। ये बॉक्स वैसे तो साधारणतः कलम रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने इसे शेयर करते हुए कहा कि ये जो उपहार होते हैं जो देश के प्रमुख देते हैं, ये भावना और मित्रता के प्रतीक होते हैं। खैर, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि बराक ओबामा हमारी भावनाओं को और मित्रता को समझते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो फिर दूसरे तरफ की बात करें। हालांकि ऐसा लगता है ना, भारत इजराइल वाले मोड में आ गया है। इजराइल का क्या है ना, एक छोटी सी ये कम्युनिटी है, लेकिन ये कम्युनिटी इतनी मजबूत है कि मजाल है कोई इजराइलियों पर हाथ लगा दे। इजराइल दुनिया के किसी भी कोने पे हैं और उन पे हाथ लग जाता है तो फिर उनका बदला लेने के लिए इजराइली मंगल ग्रह तक चले जाएंगे, लेकिन बदला जरूर लेंगे। वैसा ही मोड क्या भारत का भी हो गया है।
इजराइल के मोसाद से दुनिया के जो दिग्गज इजराइल विरोधी हैं वो भी डरते हैं। दरअसल इस बार भारत कितना ताकतवर और किस आक्रामक तौर पर चीजों को हैंडल कर रहा है उसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। एक तो हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े नामचीन खालिस्तानी अचानक से ऊपर का रास्ता पकड़ रहे हैं। कोई एकदम पास से गोली खा के जा रहा है तो कोई किसी और रूप से। हालांकि भारत सरकार या भारत की किसी एजेंसी का कोई हाथ नहीं है, तो कोई भी कारण हो ये लोग ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, बहुत दिनों तक काफी सारे लोग जो खालिस्तानी समर्थक हैं, बड़े बड़े दिग्गज, वो बताए जाने लगे कि ये गायब रह रहे हैं, ये आ नहीं रहे हैं सामने। हालांकि बीच में एक पन्नू की खबर आई थी कि वो भी ऊपर चला गया, फिर वो प्रकट हुआ और प्रकट होकर उसने कहा कि ना भाई अभी हम हैं, अभी टाइम है। पर भारत जिस तरीके से कड़ा रूप अपना रहा है उसका एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। साधारणतः यूके और कनाडा दो देशों को माना जाता है कि ये दोनों देश स्वर्ग हैं खालिस्तानियों के लिए। यूके में तो हमने नमूना देखा किस तरीके से भारतीय एम्बेसी से झंडे को उतारने की कोशिश हुई। हालांकि इसके बाद ही भारत बहुत कड़े रुख में आ गया और भारत ने ऐसा कहा गया जो स्क्रीनशॉट मीडिया में आई उसके अनुसार भारत ने कहा कि देखो भैया व्यापार की बात, फ्री ट्रेड की बात हम तभी करेंगे जब ये जो हुआ है हमारी एम्बेसी पर हमला उस मामले में एक्शन लिया जाता है। तो यही बात रूस की मीडिया स्पुतनिक ने भी छापा और कहा कि यूके और भारत के बीच जो एफटीए था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये रुक जाता है। हालांकि कुछ दिन बीतते हैं और इस कुछ दिन बीतने के बाद भारत साफ कर देता है ना भैया ऐसा कोई बात नहीं है, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रोकी नहीं है। वियोन की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, हमने इस खालिस्तानी मुद्दे को इस मुद्दे से नहीं जोड़ा है, आप भी मत जोड़ो। लेकिन कुछ चीजें आजकल पैरेलल हो रही हैं। यूके और इंडिया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, पहली न्यूज वियोन की ये आती है। ठीक उसके बाद दूसरी न्यूज ये आती है, 7 अगस्त की न्यूज है, यूके और इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। 11 की न्यूज है, खालिस्तानियों के ऊपर यूके के सिक्योरिटी मिनिस्टर एक एजेंडा लेकर भारत आए हुए हैं। उसके बाद भारत चाहता है कि खालिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाए। और आपको बता दें इससे भी बड़ी बात कि यूके कहता है कि हमने इस वक्त एक फंड बनाया है जो खास तौर पर प्रो खालिस्तानियों के ऊपर, प्रो खालिस्तानियों को टैकल करने के लिए इस्तेमाल होगा। फिलहाल ये 95,000 का फंड है। वैसे तो आपको बता दें कहा जाता है कि चाइना और पाकिस्तान ये दो हैं जो खालिस्तानियों को पैसा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भारत के अंदर रहने वाले सिख खालिस्तान चाह रहे हों, पर स्क्रीन पर देख सकते हैं आप बैकबर्न की ये ट्वीट जिसमें ये दावा करते हैं कि ये पैसा चाइना और पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है। यूके के रक्षा मंत्री भारत आए हैं G20 मीटिंग के लिए और उससे पहले इस तरीके का निर्णय होता है, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। हालांकि कनाडा की बात कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कनाडा के जो PM है वो कुछ गोल मटोल जवाब देते हैं। जैसे कि टूडू से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कुछ गोल मटोल बातें हुई है, इसलिए फिलहाल तो यूके मान गया है। अब अगला नंबर क्या कनाडा मानेगा, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।